हेलो स्टूडेंट, मैं आदित्य श्रीवास्तव, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। और आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही? आई होप बहुत अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए क्योंकि एग्जाम आपका सर पे है। ओके, मिथिलेश सर, वसीम सर, मैं हर तरह के सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वन लाइनर सीरीज हो, वन शॉर्ट सीरीज हो, रिविजन सीरीज हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज हो। ये सारी सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। ओके, जो भी स्टूडेंट उदित फार्मेसी के साथ डेडिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा बेस्ट विशेष है कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में। ओके, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सभी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं और मैक्सिमम चांस है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फार्मेसी इन विच वी स्टडी ड्रग डिजाइन, SAR एंड सिंथेसिस ऑफ द बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज नोन एज। जनरली यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ SAR, ड्रग डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ एनी ड्रग। ओके, क्या कह रहा है? फार्मेसी जिसमें हम अध्ययन करते हैं किस चीज का? ड्रग डिजाइन का, SAR का। SAR क्या है? स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। ठीक है, क्या होता है ये स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप? मान लीजिए आप कोई ड्रग का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ड्रग का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहां पे कई सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप आप उसको रिमूव करके वहां पे कोई और पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी एक्टिविटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए फिनॉल अटैच था किसी ग्रुप पे, उसको आप रिमूव करके एल्डिहाइड CHO ग्रुप अटैच कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये जो एक्टिविटी चेंज हो रही है, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। ठीक है, जो भी ड्रग है उसको अगर उसके स्ट्रक्चर में हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, उस चेंजेस से जो भी उसकी एक्टिविटी शो हो रही है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। इसलिए जब आप न्यू ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं तो SAR का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? द फार्मेसी इन विच वी स्टडी ड्रग डिजाइन, SAR एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? जब भी कोई ड्रग किसी भी एंजाइम के साथ रिएक्शन करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसे को बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसाइज होता है, कैसे होता है? जब किसी भी एंजाइम से रिएक्ट करके जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसे को सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? फार्मेसी जिसमें हम पढ़ते हैं क्या? ड्रग डिजाइन, SAR एंड सिंथेसिस, किसी भी ड्रग का, इसको हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, या फिर हम क्या बोलते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री, MEDICINAL, मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, जनरली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही मेडिसिनल केमिस्ट्री आता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री होता तो ये ऑप्शन सही होता। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या है, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोग्नोसी हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटा एसिड, इनमें से कौन सा एंटा एसिड है? ठीक है, अब बात करते हैं एंटा एसिड क्या होता है। देखिए, एंटा एसिड क्या होता है? एक तरह का वीक बेस होता है। एंटा एसिड क्या होता है? एक तरह का वीक बेस होता है। ये क्या करता है? जो हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्या करता है? जो हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एंटा एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फेरस फ्यूमरेट, ठीक है, फ्यूमरेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल एंड सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल को आप याद कर लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। जब भी एंटा एसिड के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आएंगे तो इस एग्जाम्पल से बाहर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की तो वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट। और बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की, थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहला क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका फोर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपका फोर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, एंड आपका लास्ट फाइव है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो पहला नाम क्या बोले हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड, इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और लास्ट है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, अभी तक के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं इसी से आए हैं, इससे बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें क्या है, क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये आपका दिया नहीं है, फेरस फ्यूमिरेट ये भी आपका नहीं है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल आपको दिख रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, सिल्वर नाइट्रेट भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो एंटा एसिड की जब भी एग्जाम्पल आएंगे तो इसी में से आएंगे। ओके, आई होप कि आपको एंटा एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ए केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज कॉल्ड, क्या कह रहा है, ए केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज कॉल्ड। ठीक है, जब हम टाइट्रेशन करते हैं उसके दौरान एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो कलर का चेंजेस होता है, उस कलर का चेंजेस किस केमिकल से हो रहा है, उसके नाम आपको बताना है। ठीक है, टाइट्रेशन के दौरान जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो कलर का चेंजेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस केमिकल से हो रहा है, उसके नाम आपको बताना है। ठीक है, तो जनरली जो कलर का चेंजेस होता है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हमारे जो लास्ट में एंड पॉइंट में जो फॉर्मेशन हुआ है, जो बना हुआ प्रोडक्ट, उसमें कितने एसिड हैं और कितने बेस हैं। ठीक है, इसी से केमिकल जैसी यही इंडिकेटर है, हमें इंडिकेट कर देता है, जो भी कलर शो करता है उससे हम जज कर पाते हैं कि हमारा एसिड इतना है इतना बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है, नोन कंसंट्रेशन की हेल्प से जब हम अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नोन कंसंट्रेशन की हेल्प से जब हम अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। अब बात आती है नोन कंसंट्रेशन और अननोन कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, जब भी आप एनालिसिस पढ़ रहे हो, टाइट्रेशन पढ़ रहे हो, आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन आपको फिर बता दे रहे हैं। देखिए, नोन कंसंट्रेशन क्या होता है, ऐसा कोई केमिकल जिसके बारे में हमको सारी चीजें पता हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, उसका जो आपका वेट है कितने ग्राम में आपको लिया गया है, ठीक है, सारी चीजें पता हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, हमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो कि इसका नेचर कैसा है, इसका पीएच कितना है। ठीक है, तो होता है नोन कंसंट्रेशन। अब ये जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन होता है, तो हम किसी भी केमिकल के उसको सैंपल बोलते हैं, इसकी हेल्प से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे ऐसे समझिए, आप मान लीजिए आप मार्केट गए, इस समय आम का सीजन है, आम बहुत मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या किए, 2 किलो आम लेना चाह रहे हैं, तो जो 2 किलो रख रहा है वो क्या है, नोन कंसंट्रेशन। जो 2 किलो बटखरा है जो तराजू पे रख रहा है वो क्या है, नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 किलो है। इसी तरह के ऐसे केमिकल्स भी हैं जो आपको पता रहते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, ये इसकी नॉर्मलिटी इतनी है, ठीक है, ये इसकी स्टेबिलिटी इतनी है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। इसी तरह आपका जैसे 2 किलो बैठ कर रहा है, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, दूसरे साइड हम आम को रखेंगे जो हमको नहीं पता है, जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन है, तो उसी की हेल्प से जब हम तौलते हैं तो 2 किलो जब होगा तो क्या होगा, बराबर आ जाएगा, तभी तो हम जज कर पाएंगे कि हाँ ये मेरा 2 किलो आम है। ठीक है, तो नॉन कंसंट्रेशन की हेल्प से जब हम नॉन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कहते हैं उसी को बोलते हैं टाइट्रेशन। ओके, कुछ और टर्म है जिसमें याद करना बहुत जरूरी है, इससे भी एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता देना क्या क्या टर्म है, इसको जनरली रफ कर लें थोड़ा। देखिए क्या है, सबसे पहले जब हम टाइट्रेशन कहते हैं, जो टाइट्रेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, टाइट्रेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ये याद करना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ब्यूरेट एंड कॉनिकल फ्लक्स या फिर वेलोमेट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टाइट्रेशन में उसको हम बोलते हैं ब्यूरेट या कॉनिकल फ्लक्स या वेलोमेट्रिक फ्लक्स। अब होता कैसे है, ठीक है, ऐसा कुछ आपका ब्यूरेट होता है, ठीक है, ये होता है आपका कॉनिकल फ्लक्स या वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, कुछ टर्म है जो याद करने में बहुत जरूरी है। ब्यूरेट में हमेशा हम क्या लेते हैं, नॉन कंसंट्रेशन को। ठीक है, ब्यूरेट में हमेशा हम क्या लेते हैं, नॉन कंसंट्रेशन को। ठीक है, याद रखना, ब्यूरेट में हमेशा हम किसको लेते हैं, नॉन कंसंट्रेशन को लेते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट।
ठीक है, ब्यूरेट में हमेशा हम नॉन कंसंट्रेशन को लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यहां लिख दे रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? ब्यूरेट में जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंसंट्रेशन, टाइट्रेंट एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ध्यान देना ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंफ्यूजन कभी होगा तो इसी टर्म में होगा, ठीक है। तो ब्यूरेट में जो भी यूज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, नॉन कंसंट्रेशन, टाइट्रेंट या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देखिए आपका सेकंड बी बी ऑप्शन दिया हुआ टाइट्रेंट, ठीक है। तो टाइट्रेंट आपको, टाइट्रेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये नॉन कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉन कंसंट्रेशन, टाइट्रेंट और स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, जो ब्यूरेट में केमिकल यूज हो रहे हैं। कॉन्ट्रोल फ्लक्स में जो यूज हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, अननोन कंसंट्रेशन, ठीक है, अननोन कंसंट्रेशन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं टाइट्रेंड, टाई ट्रेंड, ए एन डी, यहाँ पे डी है यहाँ पे टी है, ध्यान देना टाइट्रेंड। और जो आपका लास्ट बोलते हैं एनालाइट। ओके, क्या बोल रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, अननोन कंसंट्रेशन, टाइट्रेंड और एनालाइट। जो हम कॉन्कल फ्लक्स या वेलोमेट्रिक फ्लक्स में यूज कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं अननोन कंसंट्रेशन, टाइट्रेंड और एनालाइट। और जो हम नॉन कंसंट्रेशन जो ब्यूरेट में ले रहे हैं इसमें क्या क्या है, नॉन कंसंट्रेशन, टाइट्रेंड और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका जनरली ये, इसकी बात करें कि टाइट्रेशन के दौरान एसिडिक या बेसिक मीडियम में जो कलर चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, किस केमिकल से हो रहे हैं, इसको हम जनरली बोलते हैं इंडिकेटर से, क्योंकि इंडिकेटर से इंडिकेट होता है कि हमारा, मेरा जो एंड पॉइंट पे कितनी एसिड की मात्रा है, कितने बेस की मात्रा है, ठीक है, कलर चेंज होता है। बाकी चीज़ हम आपको बता दिए हैं कि जो ब्यूरेट में, ब्यूरेट होता है उसमें हम क्या लेते हैं, जो कंट्रोल फ्लक्स होता है उसमें क्या लेते हैं, इस टर्म को आप याद रखिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल फार्मूला फॉर एल्केन इज, देखिए ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ओके, ये होता है हमारा एल्केन का। ओके, अगर एल्किन की बात करें तो एल्किन का होता है CnH2n, ये होता है हमारा एल्किन का। ओके, और एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है, ये होता है हमारा एल्काइन का, ठीक है, एल्काइन, एल्केन और एल्केन, ठीक है, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा ये जनरल फार्मूला है, जनरली आप 11th 12th में भी पढ़े होंगे, इसलिए क्या कह रहे हैं जनरल फार्मूला फॉर एल्केन का, तो एल्केन का है CnH2n+2, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रो एटम, ठीक है, हेट्रो एटम क्या होता है, इसमें से कौन सा हेट्रो एटम है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सब्सटेंस आपका दिया हुआ, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो भी एटम वहां पे अटैच हो रहा है उसी को बोलते हैं हेट्रो एटम, ठीक है, ऐसे समझिए। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, मेथेन है, ठीक है, ये क्या है, मेथेन है। अब हम बात करें इसमें से, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दें और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दें, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे ब्रोमीन एटम लगा दें या क्लोरीन एटम लगा दें, तो इसी को क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से हेट्रो एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे ना ब्रोमीन दिया हुआ है ना क्लोरीन दिया हुआ। एक चीज और ध्यान देना है, जो हेट्रम होते हैं उसकी वैलेंसी हमेशा 1 होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन सबकी वैलेंसी 1 है। और कुछ और याद रखना है आपको, जितने भी हाइलोजन्स हैं, ठीक है, हाइलोजन क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरो, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये हमेशा क्या होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हेट्रो ग्रुप जो होता है, हेट्रो ग्रुप जो होता है वो जनरली क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर होता है, ठीक है। जैसे बात करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर की, यहाँ पे सी है, यहाँ एच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ऑक्सीजन भी अटैच है तो ये क्या है, हेट्रो ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन भी यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है तो भी क्या है, हेट्रो ग्रुप है, और सल्फर भी दिख रहा है तो भी क्या है, हेट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बोरान तो हमारा होगा नहीं, पोटेशियम भी नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा, नाइट्रोजन आपका क्या है, एक तरह का हेट्रो ग्रुप है, ठीक है, हेट्रो एटम है,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ हो गया। ठीक है, जो भी आपके हेट्रोग्रुप है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, जल्दी इसी का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर हाइलोजन का दे सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन। ठीक है, जनरली ये हेट्रो ग्रुप जो है इसको आप एग्जाम में कॉपी में हाईलाइट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे अपने नोट्स में सॉरी, और हाइलोजन्स लिख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। ओके, क्लियर हुआ। हेट्रो एटम क्या होते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो भी एटम यहाँ पे अटैच हो रहे हैं उसी को हम हेट्रो एटम बोलते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेरस सल्फेट, क्या कह रहा है, फेरस सल्फेट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, फेरस सल्फेट किसमें हम यूज करते हैं, किसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, स्कर्वी, डायबिटीज, एनामिया एंड मेलेसमस। ठीक है, तो फेरस सल्फेट सबसे पहले इसके टर्म समझ लीजिए, फेरस सल्फेट होता क्या है, FeSO4। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म होता है FeSO4, याद होना चाहिए सबको। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टर्म याद होने चाहिए। फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, FeSO4 इसका फार्मूला है। ठीक है, तो यूज टू इट ट्रीटमेंट ऑफ, तो क्या होता है, ये होता है जनरली आयरन। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो आयरन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो आयरन की डिफिशियंसी होती है जिसको हम बोलते हैं एनामिया। ठीक है, वहां पे उसके ट्रीटमेंट में फेरस सल्फेट यूज होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्या होता है, एक तरह का आयरन होता है, जो हमारे ये क्या करता है, ये आयरन की जो डिफिशियंसी होती है हमारे बॉडी में, जिसको हम एनामिया बोलते हैं, उसमें यूज किया जाता है। तो ये एनामिया कहीं दिख रहा है, जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ध्यान दीजिएगा, फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्रीन विट्रॉल इज फेरस सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, ग्रीन विट्रॉल इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग क्या होता है, एंटी नियोप्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक को बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग जो आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम जब भी पढ़ाए हैं हमको हमेशा बताते हैं कि आप क्लासिफिकेशन को अपने दीवार पे चिपका लीजिए, उसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन से मान के चलिए कि 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस या फिर आपके लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी में, या फिर आपके सॉरी जब सेकेंड ईयर में जाएंगे फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपको क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी है, क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए क्लासिफिकेशन के जो भी डेरिवेटिव्स आप यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो भी एजेंट यूज हो रहे हैं, उसमें मैक्सिमम ज्यादा नहीं 3-3 ड्रग्स भी अगर आप याद कर लेते हैं तो सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग है, इसको अगर क्लासिफिकेशन देखें तो क्या क्या है, कौन से ड्रग होंगे, क्लोरोक्वीन फास्फेट ये तो बिल्कुल नहीं होगा, स्पायरोलैक्टोन ये भी नहीं होगा, एपिनेफ्रिन ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मेथोट्रेक्सेट होता है। ठीक है, एक तरह का क्या है कि हाँ, हम देखेंगे किस डेरिवेटिव में या फिर किस एजेंट में ये क्या बोलते हैं, देखेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स में, एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, आप देखेंगे जब इसके क्लासिफिकेशन, तो देखना एंटी मेटाबोलाइट जो डेरिवेटिव वहां पे आपको दिया होगा फ्लोक्सिरिडीन। ठीक है, फ्लोक्सिरिडीन दिया होगा पहला, दूसरा दिया होगा मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, फ्लोक्सिरिडीन दिया होगा यहाँ पे और मेथोट्रेक्सेट दिया होगा। ठीक है, और भी ड्रग के नाम दिए हुए हैं, उसको आप जरूर 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 पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट यू। ठीक है, तो फ्लोक्सिरिडीन, मेथोट्रेक्सेट ये जनरली क्या है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है जो आपके एंटी मेटाबोलाइट्स डेरिवेटिव में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, मेथोट्रेक्सेट। यहाँ पे फ्लोक्सिरिडीन भी दे सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, एंटी न्यूप्लास्टिक की तरह का एंटी कैंसर ड्रग होता है, उसका क्लासिफिकेशन से जो ड्रग है उसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्या है, ऐसे कई सारे आपको क्लासिफिकेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काल पाल इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ना बताओ। ठीक है, काल पाल सब लोग यूज कर चुके होंगे, या नहीं यूज किए होंगे तो देखे जरूर होंगे। जनरली ये होता है पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल का जो मतलब पैरासीटामॉल जो होता है, ये ब्रांड नेम जो काल पाल के नाम से ही आता है मार्केट में। ठीक है, जो आपका काल पाल है ब्रांड नेम, ये कोविड के समय बहुत बिक रहा था, या अभी भी बिक रहा है, अभी भी मार्केट में चल रहा है। ठीक
है, तो पैरासीटामॉल जनरली कालपाल के नाम से ही आता है, जिसका ब्रांड नेम है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है पैरासीटामॉल, जिसका मतलब ऑप्शन है पैरासीटामॉल डी वाला सही है। ठीक है, अब पैरासीटामॉल से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बता दें जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पैरासीटामॉल को एनाल्जेसिक भी बोलते हैं, ठीक है, पैरासीटामॉल को एनाल्जेसिक भी बोलते हैं और एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, पैरासीटामॉल को एनाल्जेसिक भी बोलते हैं और एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं। क्या होते हैं एंटी एनाल्जेसिक, क्या होते हैं? रिड्यूस पेन, ठीक है, जो दर्द को कम करे उसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है, एंटीपायरेटिक क्या होता है? रिड्यूस फीवर, जो फीवर को कम करे उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। तो पैरासीटामॉल एनाल्जेसिक भी होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इज सलबूटामॉल, पैरासीटामॉल, ठीक है, और आपका आ सकता है एपिनिफ्रिन, नॉन एपिनिफ्रिन। तो ध्यान देना, पैरासीटामॉल जो होगा आपका क्या होगा? एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, पैरासीटामॉल को केमिकल नेम इसका क्या है? पैरासीटामॉल का केमिकल नेम क्या है? इसका नाम होता है एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन। ठीक है, एसिटामिनोफेन इज पैरासीटामॉल, ध्यान देना, एसिटामिनोफेन इसका केमिकल नेम है, एसिटामिनोफेन। ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको नाम से जानते हैं टाइलिनॉल, टाइलिनॉल से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, तो इसी तरह घुमाते हुए आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कालपाल तो आपके एग्जाम में आ चुका है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि टाइलिनॉल इज पैरासीटामॉल, ठीक है, या फिर आपका दे दिया सलबूटामॉल, या फिर और कोई भी ड्रग्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना, टाइलिनॉल को हम पैरासीटामॉल कहते हैं, एसिटामिनोफेन को हम पैरासीटामॉल कहते हैं, जनरली ये केमिकल्स नेम है। और पैरासीटामॉल एक तरह का क्या है? एनर्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, जो पेन को रिड्यूस करता है या फिर फीवर को रिड्यूस करता है। ओके, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5-5-डाइफिनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4-डायोन स्ट्रक्चर बनाते हैं इमिडाजोलिन का। तो इमिडाजोलिन का जनरली स्ट्रक्चर देखें हम, तो इमिडाजोलिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ भी एनएच अटैच होता है, इमिडाजोल, इमिडाजोल रिंग यहाँ पे अटैच हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? C6H5, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर को आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आप देख के समझ जाओगे कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड अटैच है, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ अटैच है, कीटोन कीटो ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब देखिए हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, 5-5 मतलब 5-5, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? C6H5 मतलब फिनाइल, डाई फिनाइल दो है, तो C6H5 दो है ना, तो इसको बोलेंगे डाई फिनाइल। ठीक है, तो 5-5-डाइफिनाइल, ये आपका क्लियर हो गया। क्या है? इमिडाजोल रिंग। तो ठीक है, तो ये पूरा रिंग अगर बेंजीन होता तो बेंजीन कहते हैं, लेकिन यहाँ इमिडाजोल है, जिसको बोलते हैं इमिडा, क्योंकि रिंग में कीटो ग्रुप अटैच है, तो इस पूरे रिंग को बोलते हैं इमिडाजोलिडीन। ठीक है, इमिडाजोलिडीन, तो आपका क्या किया? 5-5-डाइफिनाइल इमिडाजोलिडीन, ठीक है, इमिडाजोलिडीन, और 2-4-2,4-डाई-1, ओन क्या होता है? कीटो ग्रुप को जब हम सिफ्ट करते हैं तो ओन पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा क्या कह रहा है? 5-5-डाइफिनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4-डाईओन। ठीक है, अब पता चल गया कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ, जब आपको आईवेसी में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, और ये तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 5-5-डाइफिनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4-डाईओन इज द केमिकल नेम ऑफ। ठीक है, किस केमिकल, इस केमिकल क्या नाम है इस केमिकल का? ठीक है, एटीनोलाल, फिनोटोइन, फिरोसामाइड एंड हेलोपिरिडॉल। ठीक है, तो जनरली जो आपका इमिडाजोलिन होता है ये फिनोटोइन होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है फिनोटोइन। ध्यान देना, आपके एग्जाम पे ये पीएचपी भी लिख के आ सकता है। ठीक है, पीएचपी को भी हम फिनोटोइन बोलते हैं, सॉरी पीएचटी, पीएचटी को भी हम फिनोटोइन बोलते हैं। ठीक है, पीएचटी, तो यहाँ पे फिनोटोइन की जगह पीएचटी भी लिखा जाता है। पीएचटी इज द फिनोटोइन, एटेनोलॉल, ठीक है, पैरासीटामॉल, हेलोपिरिडॉल, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखना, फिनोटोइन को हम पीएचटी कहते हैं, और 5-5-डाइफिनाइल इमिडाजोलिन 2,4-डाई-1 इस केमिकल का नाम है फिनोटोइन। तो आपका करेक्ट आंसर है बी। ओके, इसीलिए अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप स्ट्रक्चर को बार बार प्रैक्टिस करिए, अपने नोट्स बनाइए, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर लिखिए, तो आपके लिए केमिस्ट्री बेहद ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा।
ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऑफ सल्फोनिल यूरिएज क्लास। ठीक है, देखिए फिर एक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन दूसरा मिल रहा है हमको। क्या कह रहा है, सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक क्या होता है, लो ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, लो ब्लड शुगर लेवल। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऑफ सल्फोनिल यूरिएज क्लास। अब देखिए क्लास भी यहाँ पे दे दिया है, अब इस क्लास के अंदर जो भी ड्रग्स आते हैं ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्लास के अंदर सारे ड्रग्स याद हैं, इसमें टाइप डायबिटीज में जब आप डायबिटीज पढ़ रहे होंगे, लो ब्लड शुगर लेवल पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो सल्फोनिल यूरिएज क्लास आया होगा। ठीक है, सारे क्लास में अगर इस क्लास के आपको सारे ड्रग्स याद हैं तभी आप ये आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। तो अभी भी टाइम है, अगर आप नहीं पढ़े हो क्लासिफिकेशन तो फिर से रिक्वेस्ट है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली इसमें कौन से आते हैं, तो जल सल्फोनिल यूरिएज क्लास में आपका जो मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन नहीं है, ठीक है, ग्लिबेनक्लामाइड, उसके बाद फिर क्या है, पियोग्लिटाजोन, उसके बाद है रिपिग्लिडिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ग्लाइब्यूराइड। ठीक है, आप कहेंगे ग्लाइब्यूराइड तो इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, ग्लाइब्यूराइड को जनरली हम ग्लिबेनक्लामाइड भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइब्यूराइड को ही हम ग्लिबेनक्लामाइड भी बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पे ग्लाइब्यूराइड भी लिख, ग्लाई बी यू आर आई डी, ग्लाइब्यूराइड भी लिख के ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, सल्फोनिल के क्लास में पढ़ेंगे तो ग्लाइब्यूराइड ही लिखा हुआ है, इसको हम कहने क्या बोलते हैं, ग्लाइबेनक्लामाइड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, किसमें बात करा, सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में सल्फोनिल यूरिएज क्लास में कौन से ड्रग्स आते हैं। तो इसमें जो जल्दी ड्रग आते हैं इसको बोलते हैं ग्लाइब्यूराइड, और ग्लाइब्यूराइड को ही हम ग्लाइबेनक्लामाइड बोलते हैं। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक फिर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ग्रीसोफ्लोविन इज। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं क्लासिफिकेशन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। ठीक है, ग्रीसोफ्लोविन इज, हमको पता है डायरेक्टली ग्रीसोफ्लोविन क्या होता है, एक तरह का एंटी फंगल ड्रग होता है। क्या है, एंटी फंगल ड्रग है ग्रीसोफ्लोविन, जो है एक तरह का एंटी फंगल ड्रग है। इसमें कुछ देखना नहीं है, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो आप आंसर क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा दोगे। ठीक है, तो जो ग्रीसोफ्लोविन है एक तरह का एंटी फंगल ड्रग है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पर्पल कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, इससे और कई क्वेश्चन बन जाएंगे, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कह रहा है, लिमिट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, लिमिट टेस्ट आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है, कि इसमें क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंस हैं इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, जो हमारा लिमिट टेस्ट है इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कि हमारे इस जो हमारा सब्सटेंस है इसमें कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो क्या कह रहा है, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पर्पल कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। हमको पता है कि आयरन में पर्पल कलर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पर्पल कलर का नहीं होता है, रेफरेंस बुक में कई कई तरह के कलर लिखे हुए हैं, यहाँ पे पर्पल कलर भी आ सकता है, रेडिश पर्पल आ सकता है या फिर पिंक कलर, किसी बुक में पिंक कलर भी दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में रेडिश पर्पल भी कलर आ सकता है, पर्पल कलर भी लिखा हुआ आ सकता है और पिंक कलर भी आ सकता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन से होता है, तो ये होता है फेरस थायोग्लाइकोलेट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फेरस थायोग्लाइकोलेट, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फेरस थायोग्लाइकोलेट का जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या होता है, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में पर्पल कलर शो करता है या फिर रेडिश ब्राउन कलर, अरे रेडिश पर्पल कलर शो करता है या फिर पिंक कलर शो करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जा सकता है तो इस कलर को चेंज कर सकते हैं, पिंक कलर या रेडिश पर्पल कलर आ सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप्स ऑफ अपरेटस आर यूज इन फॉर लिमिट टेस्ट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कौन से लिमिट टेस्ट में हम किस टाइप्स के अपरेटस को यूज करते हैं, कॉन्कोर फ्लक्स नहीं, नेशनल सिलेंडर। जी हाँ, हम लिमिट टेस्ट में हम नेशनल सिलेंडर को यूज करते हैं। ठीक है, कितने नेशनल सिलेंडर को यूज करते हैं, दो। ठीक है, एक स्टैंडर्ड के लिए, एक टेस्ट के लिए। ठीक है, हम इन्हीं दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्या हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कलर जो होता है टेस्ट सॉल्यूशन ज़्यादा है,
या फिर टेस्ट आलसम या स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन से ज्यादा है, इसी चीज को हम डिटरमाइन करते हैं लिमिट टेस्ट में, तभी हमको टर्बिडिटी इस मतलब गंदगी होता है या इम्प्यूरिटी का पता चलता है। ठीक है, तो इसमें आप जनरली किसको डिटरमाइन करते हैं, क्या लेते हैं एपरेटस, कौन, नेस्लर सिलेंडर। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द एरर इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, विच ऑफ द एरर इज अनप्रेडिक्टेबल, इसमें से कौन सा एरर है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रास एरर, नॉन ऑफ दिस। तो जरा सा एरर की कॉन्सेप्ट को हम बता दें आपको, एरर क्या होता है, एरर क्या होता है समझिए, जो आपका ट्रू वैल्यू है, ठीक है, और आपका जो मेजर वैल्यू है। ट्रू वैल्यू क्या है, मान लीजिए आप 22 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अपने लैब में लेके गए, ठीक है, 22 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अपने लैब में लेके गए, आप जब मेजर किए उसको, जब वेइंग मशीन में मेजर किए, तो ये आपका 22.3 ग्राम आ रहा है। जब मेजर किए तो आपका 22.3 ग्राम आ रहा है, ये 3 ग्राम कैसे बढ़ा, ये 0.3 ग्राम कैसे बढ़ रहा है, इसमें यहाँ तक इम्प्योरिटी आ गए, या कोई तक फॉरन पार्टिकल से रिएक्शन करके, या डस्ट पार्टिकल से रिएक्शन करके थोड़ी सा उसका वेट बढ़ गया। तो ये ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं एरर। ओके, एरर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है ग्रॉस एरर, ठीक है, दूसरा बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, और होता है लास्ट में रैंडम एरर। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर जो जो एरर हम लोग से होता है, ह्यूमन मिस्टेक, हम लोग से क्या मिस्टेक होगा, मान लीजिए हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसकी रीडिंग हम भूल गए, उसकी रीडिंग हमको 22 लिखना था, हम 23 लिख दिए या 22.5 लिख दिए, तो क्या है, ये हम लोग से मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर जनरली 3 टाइप के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और दूसरा आपका होता है, दूसरा क्या था, इंस्ट्रूमेंटल एरर आपका हो गया, ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, और लास्ट आपका, यहाँ इधर लिख दे रहे हैं, लास्ट आपका है इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो जनरली क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर इसमें 3 टाइप्स का होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर एंड इन्वायरमेंटल एरर। क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मान लीजिए आप बीकर यूज कर रहे हैं, बीकर में हल्का सा ब्रेक है, अब उसमें क्या हो रहा है कि बीकर से जो भी केमिकल्स है वो धीरे 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 बाहर आ रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर उसी तरह जैसे आपका ग्रॉस एरर था, ह्यूमन मिस्टेक, जो भी आप रीडिंग लिए गलत आ रहा है, यहाँ पे जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं रीडिंग को, या फिर कैलकुलेशन फैक्टर्स को, क्या कह रहे हैं, गलत आ रहे हैं, उसको आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलत आएंगे, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। और आपका इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है, मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप मतलब आप लैब में हैं, ठीक है, लैब में आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, अचानक से आपकी जो एसी है 25 डिग्री सेल्सियस पर लगी हुई है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन है, आपकी लाइट चली गई, लाइट चली गई तो एसी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, जो आपके केमिकल इससे इफेक्ट पड़ेगा और वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा हमारे एनवायरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर। ठीक है, अब लास्ट में बोलता है ग्रॉस एरर समझ में आ गया, आ गया आपको, सिस्टमेटिक एरर समझ में आ गया। अब रैंडम एरर क्या होता है, सडन चेंज इन द एनवायरमेंट, सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट। ठीक है, जो रैंडम एरर होता है ये सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट, मतलब जैसे आप लैब में काम कर रहे हैं, अचानक से बारिश होने लगे, अचानक से तूफान आ जाए, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, खुद से गलती नहीं कर रहे हैं, ये सडनली चेंज हो जा रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन था, एक मिनट इसको रफ कर दें, हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द एरर इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, कौन से ऐसे एरर है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो सिस्टमेटिक एरर, इसमें आपको पता चल गया कि ग्रॉस एरर, ठीक है, या फिर आपका आता है ऑब्जर्वेशनल एरर, या फिर इन्वायरमेंटल एरर, ये तो हो नहीं सकता। रैंडम एरर, जी हाँ, रैंडम एरर, सडन चेंज इन द एनवायरमेंट, ठीक है, इसमें हमारा बस नहीं है, ये इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर में अचानक से चेंजेस हो जाता है, उससे जो केमिकल पे इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं रैंडम एरर। इसका करेक्ट आंसर है रैंडम एरर, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ग्रॉस एरर ह्यूमन मिस्टेक, इसको हम बार बार चीजों को करेंगे तो सही हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रैंडम एरर। ध्यान दीजिए, सिस्टमेटिक एरर को डिटरमिनेट एरर भी कहते हैं, डिटरमिनेट एरर भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टमेटिक एरर को डिटरमिनेट एरर भी कहते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर को डिटरमिनेट एरर भी कहते हैं।
ओके आई होप इधर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अरिनियस थ्योरी ACDJ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिनियस थ्योरी ACDJ, देखिए जब आप पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ एसिड बेस्ड हाइड्रेशन, तो यहाँ पे एसिड और बेस के जो डिफिनेशन है उसको तीन साइंटिस्ट लोग थ्योरी दिए थे। ठीक है, पहला था अरिनियस थ्योरी, ठीक है, फिर थे आपके ब्रॉन्स्टेड एंड लेडी थ्योरी, लुईस थ्योरी, ठीक है, और लास्ट में आपका है लुईस थ्योरी। ठीक है, अरिनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लेडी थ्योरी और लुईस थ्योरी। अभी तीनों थ्योरी क्या कह रहे हैं जरा समझिए। ठीक है, पहले हम बात करें अरिनियस सर की। अरिनियस सर क्या कह रहे हैं, अरिनियस सर कह रहे हैं कि जो एसिड होता है, एसिड क्या कर रहा है, H प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक है, एसिड जो होता है H प्लस आयन रिलीज करता है कहाँ पे, एक्वस मीडियम में। एसिड जो होता है H प्लस आयन रिलीज करता है एक्वस मीडियम में, और जो बेस होता है वो OH माइनस एसिड करता है किसी एक्वस मीडियम में। ठीक है, मतलब किसी सॉल्यूशन में या किसी एक्वस मीडियम में। ओके, समझ में आया होगा। एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी। तो बात कर रहे थे अरिनियस थ्योरी की। अरिनियस क्या है, एसिड जो होता है H प्लस आयन रिलीज करता है एक्वस मीडियम में, और जो बेस होता है OH माइनस एसिड करता है किसी एक्वस मीडियम में, किसी सॉल्यूशन से। ठीक है, ये सर बोले थे अरिनियस सर। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक है, बेस इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अरिनियस थ्योरी ACDJ, ठीक है, अरिनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, तो अभी क्लियर हो जाएगा। ब्रॉन्स्टेड लुईस थ्योरी क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस थ्योरी ने क्या कहा था कि जो एसिड होता है, ठीक है, जो एसिड होता है, एसिड में जो होता है जो H प्लस है इसको नाम दे दिए प्रोटॉन। ठीक है, जो H प्लस है इसको दे दिए प्रोटॉन। तो जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, और जो बेस होता है OH माइनस ये होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस सर ने क्या कहा, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस सर ने क्या बोला कि जो एसिड में जो H प्लस आयन होता है जो उसको प्रोटॉन नाम दिया, वो क्या होता है, डोनर होता है, और OH माइनस जो प्रोटॉन है वो एक्सेप्टर होता है। ठीक है, जो बेस की बात करें, जो OH माइनस है जो बेस है उसमें प्रोटॉन क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। जो एसिड H प्लस है, क्योंकि एसिड क्या होता है, डायरेक्टली H प्लस आयन रिलीज करना, और H प्लस जो होता है वो प्रोटॉन क्या होता है, डोनर होता है। और इंडिया सर बोल रहे हैं कि H प्लस जो होता है वो देता है एक्वस मीडियम में एसिड को। ठीक है, H प्लस आयन रिलीज करता है किसी एक्वस मीडियम में, और बेस क्या होता है, OH माइनस एक्सेप्ट करता है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं लुईस थ्योरी की। लुईस थ्योरी क्या कह रहा है, लुईस सर क्या बोल रहे हैं, जो एसिड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और जो बेस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और जो बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है अरिनियस थ्योरी, अरिनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन OH माइनस प्रोड्यूसर, तो OH जो होता है प्रोड्यूस नहीं करता, वो एक्सेप्ट करता है, तो पहला क्वेश्चन गलत है। दूसरा H प्लस प्रोड्यूसर, तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब H प्लस आयन दे रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो H प्लस प्रोड्यूसर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, आपको पता है जो लुईस एसिड के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। H प्लस डोनर, जहाँ पे डोनर आ रहा है वहाँ पे बात आएगी ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस थ्योरी की। ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस थ्योरी में जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, तो आपका करेक्ट आंसर है H प्लस प्रोड्यूसर। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आया होगा, अरिनियस थ्योरी क्या है, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस थ्योरी क्या है, लुईस थ्योरी क्या है। इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एक मिनट इसको रफ कर लें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अदर नेम ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड इज। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, तो आप इसको इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन, ये टू कैटेगराइज में डिवाइड हुआ है। पहला ओपन चेन कंपाउंड,
इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड, एसाइक्लिक या एलिफैटिक। और सेकंड वे क्या बोलते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं, या फिर रिंग कंपाउंड बोलते हैं, या फिर साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अर्ली कंपाउंड टू पार्ट में डिवाइड हुआ है, पहला ओपन चेन कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड, और जो आपका सेकंड में आता है वो साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड या रिंग चेन कंपाउंड। ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो आपके रिंग चेन कंपाउंड है इधर हम लिख दे रहे हैं, ये टू पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, होमोसाइक्लिक और लास्ट है हेटरोसाइक्लिक। जो आपका साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड है या रिंग कंपाउंड है, ये आपके टू पार्ट में डिवाइड है, किसमें, होमोसाइक्लिक में, हेटरोसाइक्लिक में। ठीक है, और होमोसाइक्लिक भी आपका टू पार्ट में डिवाइड है, किसमें, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आर्गेनिक कंपाउंड टू पार्ट में डिवाइड है, पहला किसमें, किसमें, ओपन चेन कंपाउंड, ए साइक्लिक एलिफैटिक में। ठीक है, जो साइक्लिक कंपाउंड जो आपका सेकंड पार्ट में है वो साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड या रिंग कंपाउंड को बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका रिंग चेन कंपाउंड है ये टू पार्ट में डिवाइड है, होमोसाइक्लिक एंड हेटरोसाइक्लिक। ओके, और होमोसाइक्लिक जो है वो टू पार्ट में डिवाइड है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या रहा, द अदर नेम ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड इज, तो आप देख रहे हैं ओपन चेन कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिफैटिक को ही ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, उसी को हम एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक होता है जो क्लोज चेन कंपाउंड होता है, जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसमें आप देखेंगे होमोसाइक्लिक में आ रहा है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, रिंग कंपाउंड आपको समझ में आ रहा है कि वही साइक्लिक कंपाउंड को रिंग कंपाउंड बोलते हैं, और क्लोज चेन कंपाउंड भी इसी को बोलते हैं, रिंग कंपाउंड को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए साइक्लिक कंपाउंड, जो आपका एलिफैटिक कंपाउंड है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन मोहर्स मेथड डिडक्शन ऑफ द एंड पॉइंट इज। ठीक है, मोहर्स मेथड इज डिडक्शन प्रीसिपिटेशन टाइटेशन में, कहां पे, प्रीसिपिटेशन प्रीसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, वहां पे आप तीन मेथड पढ़े होंगे, मोहर्स मेथड, वुलार्ड मेथड, ठीक है, और फेजेंस मेथड, एक और है जनरली शायद मॉडिफाइड वुलार्ड मेथड भी है। ठीक है, तो ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीसिपिटेशन टाइट्रेशन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम हाईलाइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाईलाइट, ठीक है, यहाँ पे हम हाईलाइट को आइडेंटिफाई करते हैं, किसको, हाईलाइट को। हाईलाइट क्या होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये हाईलाइट जो है इसको हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं मोहर मेथड में प्रीसिपिटेशन टाइट्रेशन में। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, समझ लीजिए इस तरह से, ये आपका ब्यूरेट है, ये आपका वेलोमेट्रिक फ्लक्स या कॉनिकल फ्लक्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, जनरली ब्यूरेट है, ये आपका कॉनिकल फ्लक्स या फिर वेलोमेट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है मोहर्स मेथड में, यहाँ पे हम क्या लिए, यहाँ पे जो केमिकल लिए, जो हमारा नॉन कंसंट्रेशन में क्या आता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, जो हम ब्यूरेट में लिए AgNO3 लिए, आपके कॉनिकल फ्लक्स में कोई हाईलाइट लिए। ठीक है, क्या हम क्लोरीन ले लिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्लोरीन ले रहे हैं, इसके साथ हम सोडियम को अटैच कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो हम कॉनिकल फ्लक्स में जो हम एनालाइट यूज कर रहे हैं वो सोडियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं, और ब्यूरेट में क्या यूज कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए क्या हो रहा है, जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, AgCl, मतलब क्या बन रहा है, Ag क्या होगा, Cl के साथ अटैच हो जाएगा और क्या होगा, NaNO3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो AgCl बन रहा है, ये किसको क्या बोलते हैं, वाइट पीपीटी, मतलब वाइट प्रिसिपिटेट। ठीक है, अब ये प्रिसिपिटेट क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे बीकर में, यहाँ पे आपका लिक्विड कर दें और यहाँ पे अगर चाक को अगर हम डुबा रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, चाक पानी, जो चाक को हम पानी में डिजॉल्व करेंगे, चाक समझ रहे हैं ना, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, तो यहाँ पे जो चाक देखेंगे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट या पीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिएक्शन कराए सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे सिल्वर जो क्लोराइड है इसका पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बन गया। ठीक है, अब हम इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं,
ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें इंडिकेटर यूज किए तो यहाँ एंड पॉइंट पे कौन कौन सा कलर शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा ब्रिक रेड कलर, यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रिक रेड कलर या फिर रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, ब्रिक रेड कलर या रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, ठीक है, जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो कौन सा इंडिकेटर है, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। तो मोहर्स मेथड में जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं उस इंडिकेटर का नाम क्या है, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, ठीक है। इसको हम किस लिए करते हैं, हाइलाइट को आइडेंटिफिकेशन करने, मतलब हाइलाइट को हम आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। हाइलाइट क्या हमारा, फ्लोरोक्रोमो ब्रोमो आइडो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्यूरेट में क्या लिए, सिल्वर नाइट्रेट, और कॉनिकल फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या लिए, सोडियम क्लोराइड। जो हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किए तो हमारा क्या बन रहा है, व्हाइट पीपीटी, जो हमारा है सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। अब फिर हम इसमें क्या किए, इंडिकेटर को जब ऐड किए, इंडिकेटर को जब ऐड किए तो एंड पॉइंट पे जब टाइट्रेशन हो रहा है, एंड पॉइंट पे क्या हुआ कि हमारा जो व्हाइट पीपीटी था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्रिक रेड कलर में या फिर रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, मोर्स मेथड है। अब आप सीखिए कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मोर्स मेथड डिटेक्शन ऑफ द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे क्या डिटेक्ट हो रहा है, सॉल्वेबल कंपाउंड, नहीं जाहिर सी बात है जो आपका पीपीटी वो सॉल्वेबल तो होगा नहीं, इनसॉल्वेबल कंपाउंड कह सकते हैं, लेकिन और भी देखते हैं, कलरलेस प्रीसिपिटेट, कलरलेस तो प्रीपिट नहीं आया, कलर प्रीसिपिटेट, ठीक है। तो जो आपका लास्ट में अगर ऑप्शन देखे तो कलर प्रीसिपिटेट यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इनसॉल्वेबल कंपाउंड भी कह सकते हैं क्योंकि जो आपका कंपाउंड है इनसॉल्वेबल है, लेकिन ये एक करेक्ट आंसर नहीं लग रहा, ठीक है। आपका एक प्रीसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ है जिसको बोलते हैं कलर प्रीसिपिटेट। अब कौन सा कलर, कलर आपको याद रखना है, पहला ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर मतलब ईटे के कलर का, और आपका है क्या, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर और ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर जो है आपका प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म हुआ है, ठीक है, क्या हुआ। तो ये इस कलर को आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आए तो कलर का नाम यहाँ पे दे दे, ठीक है, मोस्ट मेथड में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर एस्टिमेट। देखिए अभी हम आपको बताए हैं एंटासिड का डिफिनेशन बताया है क्या होता, सॉरी अभी हम आपको एंटासिड का डिफिनेशन बताया है क्या है, कि क्या होता है एंटासिड, एक तरह का वीक बेस होता है, हमारे स्टमक में जो भी एसिड रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज होने का काम करता है, ठीक है। विच ऑफ क्या होता है, न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ द एसिड इन आवर एस्टिमेट, कौन कर रहा है, एंटासिड कर रहा है। एंटासिड क्या कर रहा है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है हमारे स्टमक में, तो इसका करेक्ट आंसर एंटासिड होगा, ठीक है। तो एंटासिड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, या तो आप आपके एग्जांपल पूछ सकते हैं या फिर दो एग्जांपल एक साथ दे सकते हैं, इनमें फाइंड करना होगा कि इसमें एंटासिड कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देगा, यहाँ पे दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, सी में दे देगा आप बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और डी देगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है, तो आपको सी वाला ही करेक्ट करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत से बनाए जा सकते हैं एंटासिड पे, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 19 में। फेरस सल्फेट इज, अभी आप देखिए फेरस सल्फेट को क्या बताएं, फेरस सल्फेट को और किस नाम से जानते हैं, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, FeSO4, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरह का आयरन होता है, जो हमारे बॉडी में आयरन डिफिशियंसी होती है जिसको हम एनामिया बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है फेरस सल्फेट, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, फेरस, इसमें फेरस सल्फेट है क्या, एंटी एसिड नहीं, डेंटल प्रोडक्ट, हिमेटेनिक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी नहीं है, ये हमारा क्या है, हिमेटेनिक है। हिमेटेनिक क्या होता है, हिमेटेनिक क्या होता है बताइए, हिमेटेनिक क्या होता है, हिमेटेनिक एक तरह का सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी कंडीशन को मेंटेन करता है, ठीक है। एक सब्सटेंस हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है इसको इम्प्रूव करने का काम करता है, ठीक है। हिमेटेनिक जो होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने का काम करता है, आयरन को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो फेरस सल्फेट इज क्या है, हिमेटेनिक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म था ये, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे कि एग्जाम में आपके रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो फेरस सल्फेट इज हिमेटेनिक, हिमेटेनिक एक तरह का सब्सटेंस होता है जो ब्लड को इम्प्रूव करता है, आयरन को इम्प्रूव करता है हमारे बॉडी में, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट इज कॉल्ड, ठीक है।
द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन टू, मतलब ऐसा स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन के दौरान इन विच रिएक्शन जस्ट कम्प्लीट, जब टाइट्रेशन हम करते हैं जब हमारा रिएक्शन कम्प्लीट हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं, ठीक है, इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं, इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट, क्योंकि हमारा जो कलर शो करता है वो एंड पॉइंट पर शो करता है, ठीक है। तो जब रिएक्शन कम्प्लीट होता है टाइट्रेशन के दौरान तो इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटी इज नोन एज, ठीक है, द प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटी। अभी हम बताएं लिमिट टेस्ट का डिफिनेशन। लिमिट टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी को, या फिर टर्बिडिटी आप लिख क्या सकता है, टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी में क्या होता है, गंदगी, ठीक है। इम्प्योरिटी में आपको पता ही है कि पार्टिकल्स होते हैं, फॉरन पार्टिकल्स, इम्प्योरिटी, गंदगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं, टर्बिडिटी को डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको किसमें करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिमिट टेस्ट। देखिए आपसे डायरेक्टली जो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जो डिफिनेशन है उसी से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। टाइट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा, कैलिब्रेशन, प्रिसिपिटेशन ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आंसर नंबर ए, लिमिट टेस्ट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स इज, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स इज क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स इज, अब बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन क्या है, एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन क्या है, एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है। एसाइक्लो क्या है, एसाइक्लोविर क्या होता है, एसाइक्लोविर, एसाइक्लोविर, एसाइक्लोविर की अगर बात करें तो ये शायद इसमें ट्रीटमेंट ये होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एसाइक्लोविर जो होता है चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है, सॉरी, एसाइक्लोविर जो होता है चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और लास्ट में आता है ग्रीसोफ्लोविन। ग्रीसोफ्लोविन क्या होता है, एक तरह का एंटी फंगल ड्रग्स है, क्या है, एंटी फंगल ड्रग्स है। ग्रीसोफ्लोविन एंटी फंगल ड्रग है। रिमेंटेडिन क्या होता है, ये एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स क्या है, एरिथ्रोमाइसिन है। एसाइक्लोविर क्या है, चिकन पॉक्स के, चिकन पॉक्स जब होता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं एसाइक्लोविर को। ग्रीसोफ्लोविन क्या है, एंटी फंगल ड्रग्स है। और रिमेंटेडिन क्या है, ये एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एरिथ्रोमाइसिन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ पैरासिटामॉल। अभी हमने आपको बताया था कि पैरासिटामॉल का केमिकल नेम क्या है या इसका शॉर्ट नेम क्या है, ठीक है, क्या है, एसिटामिनोफेन, ठीक है। एसिटामिनोफेन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटामॉल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देगा। क्या है, मेटामिजोल, ये बिल्कुल नहीं होगा। पैराजोलिन डायरोटिक्स, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसिटामिनोफेन, ठीक है। पैरासिटामॉल का जो केमिकल नेम है जिसका शॉर्ट नेम है, इसका नाम है एसिटामिनोफेन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन शायद कोई छूट गया है, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 शायद छूट गया है, ठीक है। तो 21 क्या कह रहा है, इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमको पता है कि यहाँ पे हम मेटल आयन के बारे में करते हैं, मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन को हम क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं, टाइट्रेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज फुल द डिटर्मिनेशन, हम किसको डिटर्माइन करते हैं, मेटल आयन को, हाइलाइट्स को नहीं, एसिड बेस को नहीं, नॉन मेटल्स को नहीं, हम मेटल्स आयन को क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। मेटल आयन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेता है। जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन के दौरान इन पॉइंट में मेटल आयन जो होता है कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कौन कौन से मेटल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन मेटल्स, मतलब मेटल जो हैं वहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है, एक टर्म आता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, राइट द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो होते हैं जिनमें थ्री टाइप्स के होते हैं, पहला है यूनिडेंटेट, ठीक है, दूसरे की बात करें दूसरा है आपका बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, और तीसरा आपका है मल्टीडेंटेट, ठीक है। बात करें कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की, तो ये एजेंट जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, मल्टीडेंटेड। जो ये आपके जो दिए हुए हैं यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, मल्टीडेंटेड, इसके एग्जांपल जरूर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे एमसीक्यू में आए, ठीक है। तो यूनिडेंटेड मतलब क्या मतलब है इसका, यूनिडेंट मतलब वन, ठीक है, बाई मतलब दो, और मल्टी मतलब कई सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, एक कोवेलेंट,
एक कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बांड रिएक्ट करेगा किससे? मेटल आयन से। फिर समझिए, एक कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बांड रिएक्ट करेगा किससे? मेटल आयन से। यहाँ पे है बाइडेंटेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कोवेलेंट या फिर कोऑर्डिनेट बांड रिएक्ट करेगा किससे? मेटल आयन से। और थर्ड आपका मल्टीडेंटेट क्या है, या दो से अधिक कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बांड रिएक्ट करेंगे किससे? मेटल आयन से, और फिर कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, तो यूनिडेंटेट का जो पहला था यूनिडेंटेट, इसका एग्जाम्पल है साइनाइड सीएन। ठीक है, और दूसरा जो आपका बाइडेंटेट था, ये आपका है यूनिडेंटेट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा बाइडेंटेट था, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, सेकंड का एग्जाम्पल क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, पहला है यूनिडेंटेट जिसमें हम यूज किए साइनाइड को, और जो सेकंड है इसका एग्जाम्पल है बाइडेंटेट में ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्सिंग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में ऑक्जेलिक एसिड क्या है, आपका बाइडेंटेट है। जब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज आल्सो नोन, मतलब लिखा जाएगा आपके एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज ऑक्जेलिक एसिड फिनॉल। ठीक है, उसके बाद और भी एग्जाम्पल है मेटल आयंस, ठीक है, या फिर एसिड एंड बेस। तो ध्यान देना, ऑक्जेलिक एसिड भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, या फिर बाइडेंटेट इज ऑक्जेलिक एसिड आपका, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीडेंटेट है, दो या दो से अधिक, मतलब जो भी, मतलब दो या दो से अधिक कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बांड रिएक्ट कर रहे हैं मेटल आयन से, उसको बोलते हैं मल्टीडेंटेट। तो इसके जो एग्जांपल है तीसरे वाला, इसको बोलते हैं EDTA। ठीक है, जिसका नाम है इथाइलीन डायामीन टेट्राएस्टिक एसिड। ठीक है, इथाइलीन डायामीन टेट्राएस्टिक एसिड, फिर से पढ़िए, इथाइलीन डायामीन टेट्राएस्टिक एसिड, ये फुल फॉर्म आप जरूर याद करके जाइएगा, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, और मैक्सिमम चांस है कि फिर से ये क्वेश्चन आए। ठीक है, तो मल्टीडेंटेट जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, EDTA एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, और डिटेल्स में पूछेगा तो मल्टीडेंटेट इज EDTA। ठीक है, मल्टीडेंटेट क्या है, EDTA है, जो एक तरह का कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिंग में टाइट्रेशन में क्या यूजफुल होता है डिटर्मिनेशन के लिए, मेटल आयन यूज होता है। और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में तीन तरह के होते हैं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट और मल्टीडेंटेट। यूनिडेंटेट का एग्जाम्पल है साइनाइड है, बाइडेंटेट का एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड है, और आपका जो मल्टीडेंटेट है वो आपका इथाइलीन डायमिन टेट्राएस्टिक एसिड, जिसको हम EDTA शॉर्ट में बोलते हैं, ये है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मेटफॉर्मिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, अभी हम बताए आपको कि हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है, लो ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन जनरली यूज होता है कहाँ पे, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट ड्रग में। ठीक है, मेटफॉर्मिन एक तरह का क्या है, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट ड्रग है। ठीक है, एंटी साइकोटिक नहीं हो रहता है, एंटी फंगल भी नहीं है, एंटी मलेरियल भी नहीं है। मेटफॉर्मिन जनरली डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो फाइनली हमारा 25 क्वेश्चंस इस पार्ट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आप इसको फिर से रिवाइज करिएगा, फिर से समझने की कोशिश करिएगा, जिस तरह से हम समझाए हैं, खासकर जिस कॉन्सेप्ट को बताया है उसको समझिएगा। यह हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, या फिर उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठ के आ जाए, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड जल्द आपके पास आएगा। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।